हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़े एक ऐसी खूबसूरत सी अभिनेत्री जिन्होंने बाबू मोशाय बंदूक पास में ढेर सारी बंदूकें चलाई और अब ये दिख रही है एक नई वेब सीरीज में। वैसे इनकी एक और एक बहुत ही खूबसूरत सी वेब सीरीज है शोले गर्ल। मेरे साथ है विदिता बाग जिनका एक नया प्रोजेक्ट आने जा रहा है जिसका नाम है अभिजू। तो शोले गर्ल में इन्होंने बहुत बहुत कमाल की एक्टिंग की थी, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मेड वेब सीरीज थी। तो विदिता, इस बार बहुत एक्सपेक्टेशन से आप थे वेब स्पेस में, आपकी अभी वोकाल भी आई, तो इस बार अब है मैं आप क्या कमाल दिखा रही हैं? अब भाई मैं पूरा कमाल ही कमाल है क्योंकि मैंने ऐसा रोल पहले कभी नहीं किया है। हालांकि ये तो सारे एक्टर बोलते हैं पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर है। मैं एक सीरियल किलर हूँ, मैं लड़कों को तड़पा तड़पा के मारती हूँ और सबको मारने का तरीका अलग है। तो आप इतनी खूबसूरती से मारा है, यहाँ पर आप दूसरे तरीके मारने के लिए खूबसूरती ही काफी होता है, बट इस बार मेरे हाथ में चाकू भी है, चाकू से थोड़ा आसान हो जाता है। तो वेब सीरीज का तो जॉनर है आजकल काफी यू नो इन है और आपने तो एक जो आपकी फिल्म मैंने कहा शोले गर्ल, वो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मेड वेब सीरीज है क्योंकि बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट आपने किया था, उसमें बहुत मेहनत लगी। तो वेब स्पेस आपके लिए कितना लकी रहा? वेब स्पेस काफी लकी है क्योंकि मेरा पहला काम द शोले गर्ल 2019 का बेस्ट ओटीटी फिल्म माना जाता है उसे। भोकाल भी काफी हिट रहा, मोर देन 100 मिलियन उसका व्यूज है और अभी लुकिंग फॉरवर्ड टू अभय 2। अभय 1 फर्स्ट सीजन काफी हिट रहा, लोगों को पसंद आया, तो अभी अभय 2 है, सब कुछ डबल है, डबल धमाका है। क्राइम भी, सारे जो क्रिमिनल्स है डबल डेंजरस है, अभय भी अभी ज्यादा डबल जोश के साथ क्रिमिनल्स को पकड़ने जा रहा है। फीमेल विलन्स भी है, जैसे मैं एक हूँ और एक फीमेल विलन है, तो क्या नारी सशक्तिकरण कह सकते हैं आप, वुमेन एम्पावरमेंट। ये बता शूटिंग कहाँ कहाँ हुई है, कुछ मजेदार किस्से शूटिंग के कुछ कर रहे हो, कुछ फनी सा मोमेंट, कुछ यादगार पल जो आप हमारे साथ बांटना चाहेंगे? शूटिंग हमने मुंबई में किया है, नासिक में किया है, शूटिंग हमने मुंबई में किया है, नासिक में किया है और कुछ पोर्शंस लखनऊ में भी शूट हुआ है। अभी फिल्म सिटी में भी शूट किया है हमने, एक चेज सीक्वेंस बारिश में। तो मजेदार था शूटिंग का पल, मजा आया जी, बहुत मजा आया। किसी को मारने में तो मजा आता है बट जब कई बार मारना पड़ता है अलग अलग एंगल से तब मजा नहीं आता है। बहुत क्या बोलूं, स्ट्रेनुअस हो जाता है एक्टर के लिए, को एक्टर के लिए बहुत ड्रेनिंग, एनर्जी ड्रेन आउट हो जाता है। सपने में भी वो सीक्वेंसेस आने लगते हैं, सपने में भी लग रहा है या मैं किसी को मार रहा हूँ या कोई मुझे मार रहा है, ऐसा लगता है, बट अच्छा है। तो अभी आपको आपने अपनी शुरुआत, आप कलकत्ता की रहने वाली हैं, हावड़ा गर्ल हैं, आपने जादवपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, तो कोलकाता और मुंबई की जो वाइब्स हैं दोनों की अलग अलग है। कोलकाता कितना मिस करती हैं आजकल? बिल्कुल मुंबई गर्ल बन गई हैं आप। कोलकाता बहुत मिस करती हूँ बट समहाउ हम करियर के तौर पे हम कई जगह डाइवर्ट करके काम नहीं कर सकते, कहीं एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। मेरा दिल कलकत्ता में है बट मेरा जो प्रोफेशन है, मेरा करियर है वो मुंबई में ही है और जो भी मुझे नाम या शोहरत मिला है वो मुंबई से ही मिला है, तो यहाँ रहना पड़ता है और अभी मुंबई तो मुझे बहुत पसंद है। मुंबई मेरी जान हो गया है बेसिकली, और लॉकडाउन में कलकत्ता नहीं जा पाई। तो जैसे मैंने कहा कि आजकल ओटीटी के प्लेटफॉर्म की एक अच्छी बात यह है कि आज व्यूअर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बांग्ला फिल्म भी देख सकते हैं और बहुत सारी जो बांग्ला फिल्में और लिटरेचर हमेशा से ही यू नो वर्ल्ड वाइड भारत को पहले आजकल सत्यजीत रे लेके आए थे, तो आप बांग्ला फिल्मों में भी काफी काम करती हैं और हिंदी भी, और अभी तो जो ओटीटी की वजह से अभी हिंदी बांग्ला यू नो एवरीथिंग एक्सेसिबल, कॉन्टेंट की कोई सीमा नहीं रही है, तो एक बहुत अच्छा टाइम है आपको लगता है एक्टर्स के लिए जहाँ पर यू नो सब कुछ बांग्ला में भी बहुत कुछ हो रहा है, हिंदी में भी हो रहा है, तो आई थिंक एक इंटरेस्टिंग फेज है जो डिजिटल फेज जिसको कहते हैं।
बहुत इंटरेस्टिंग फेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ओटीटी का दूसरा एक प्रॉब्लम है, ये है कि अगर आपको पहले 3-4 मिनट में ग्रिपिंग नहीं लगाना, जो व्यूअर्स है तुरंत शो बदल लेते हैं, क्योंकि उनके पास इतने सारे कंटेंट, वर्ल्ड वाइड सारे कंटेंट अवेलेबल है, इसलिए जो है कंटेंट अच्छा होना जरूरी है, ग्रिपिंग होना जरूरी है, एंटरटेनिंग होना जरूरी है, तो वो एक ज्यादा प्रेशर हो जाता है प्रोड्यूसर्स पे, डायरेक्टर्स पे, कि कंटेंट बहुत अच्छा बनाए। तो आपने अभी लॉकडाउन का टाइम था, मैंने देखा बहुत सारा गार्डनिंग कर रही थी, जब तूफान आने वाला था तो आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, आपने सब गमले वमले घर में बहुत सारे गमले सब पटा जी जी जी। तो लॉकडाउन में मुझे लगता है आपने जब की गार्डनिंग की है, तो इन 4 महीनों में कुछ ऐसा आपने कोई अपना टैलेंट या हॉबी डिस्कवर किया हो? अभी बहुत सारे पौधे मैंने लगा लिए हैं, बहुत सारे पौधे मैं प्रोपगेट कर रही हूँ। मेरे पुराने कुछ हॉबीज थे, जैसे मैं गाना गाती थी, पेंटिंग करती थी, वो सब धीरे धीरे मैंने शुरू किया है, और अलग अलग डिशेस भी मैंने बनाए, खाना मैं मास्टर शेफ में भी पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, मुझे लगता है अभी तो आई थिंक ये अभी सब कोई कर सकता है ना, सब माहिर हो गए हैं खाना बनाने में। आई थिंक नेक्स्ट रोल आपका शेफ का होगा मुझे लगता है। मैंने शॉर्ट फिल्म्स भी बनाए, फिल्म का कीड़ा है ना, बैठे बैठे मैंने 2 शॉर्ट फिल्म भी बना लिए, और लॉकडाउन खत्म होते ही अनलॉक में अभय का काम शुरू हो गया। और इसके अलावा आपकी एक फिल्म भी आने वाली, जिसकी आपने बहुत मेहनत की है, अपेरेंटली की बहुत आपने उसको जो सोशल वर्कर पे बेस्ड है वो काफी बीच में न्यूज थी कि आपने एक्चुअली उस फिल्म के लिए बहुत तैयारी की है, तो कुछ और प्रोजेक्ट्स जो आने वाले हैं उनके बारे में भी हमें बताइए जब आप हमें दिखाई देंगे। सारे प्रोजेक्ट्स मेरे इंटरेस्टिंग होते हैं और सब में बहुत मेहनत होता है, मैं लकी हूँ कि मुझे ऐसे इंटरेस्टिंग और अलग हटके प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड कोरोना पता नहीं वो कब रिलीज होगा, अभी सारे ऑनलाइन फेस्टिवल्स में जा रहे हैं, फेस्टिवल सर्किट खत्म करके जब सिनेमा हॉल्स खुलेगा तब रिलीज होगी, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स जो है ना ओटीटी प्लेटफॉर्म में सही नहीं रहेगा, उसका स्केल अलग होता है, विजुअल्स बड़े होते हैं, तो वो थिएटर में ही रिलीज करना सही रहेगा, वेट करते हैं, देखते हैं क्या है आगे। कहते हैं कि हर बंगाली जो होता है 2 चीजों में हमेशा माहिर होता है, संगीत और डांसिंग में। मैं चाहता हूँ एक छोटा सा गाना आपसे सुनना चाहूंगा, आपकी जो खूबसूरत मधुर आवाज है, तो एक जो हालो गान हालो गान मुझे कुछ सेकंड मिलेगा, मुझे लिरिक निकालना है, टाइम मिलेगा मुझे, जो भी चलेगा। हाँ बस एक मुझे एक सेकंड चाहिए, मैं लिरिक निकाल लेती हूँ। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, आँखियों में प्यार लाई, ओ सजना तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहारा, तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहारा, मीठी मीठी आगानी में जले मोरा जियारा, ओ सजना खूब सुंदर खूब बालो बहुत खराब गाया मैंने पता है, है। नहीं बट आई थिंक नेक्स्ट यू शुड डू अ सिंगिंग रियलिटी शो और कट आउट एल्बम, आई मस्ट से जी बिल्कुल ट्राई करेंगे जी जी। तो विदिता ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू, आपको ऑल द बेस्ट और अब है एज वेल एज आने वाले सब प्रोजेक्ट्स के लिए, होप यू हैव अ सेफ टाइम एंड लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गुड बाय बाय।